कोलकाता उधर से अच्छा से पता करा इधर आओ। अच्छा कंपनी का खाना है, कंपनी का खाना कि नीच के खाना है, बेसिक कितना है ये पूरा। अच्छा आपका बेसिक सैलरी कितना है? पौने सब। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन समर 007 व्लॉग। तो दोस्तों मैं यहाँ से जा रहा था और मेरे पीछे वहाँ पे देखिए कुछ भाई काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। और चल के देखते हैं भाई लोग से बात करते हैं और कतर में लोग किस तरह से काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, ये देखिए बढ़िया एरिया है ये, क्योंकि मेरे मजदूर भाई है। कैसे पापा जी आप? ये देखो भाई लोग यहाँ पे कितनी धूप में मेहनत कर रहे हैं। तो चल के भाई लोग का हाल चाल पूछेंगे, कैसे हो भाई? ठीक हो? किधर के? क्या हुआ ये काम कर रहे हैं? इंटरलॉकिंग हाँ, और क्या हाल चाल है? तो ये देखो भाई, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, गाड़ी किसका है? बंद कर दो एक मिनट के लिए, इसमें आवाज़ जा रहा होगा, थोड़ा बात करेगा आपसे। तो भूपेंद्र भाई हैं, भाई से बात करेंगे। और मेरे भाई लोग देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी। कहते हैं भाई आप, क्या नाम है? आबिर। आबिर, आबिर कहाँ से? बांग्लादेश। ये देखो बांग्लादेश। और भाई आप कहते हैं? ठीक है। कहाँ के हो? इंडिया। इंडिया किधर? पटना। पटना, मैं यूपी का भाई, पटना का। तो पटना का भाई यहाँ पे मिल गया मेरे को, एक भाई इधर बैठा। आप किधर के भाई? बांग्लादेश। बांग्लादेश का। देखो भाई, जो लोग ये सोचते हैं ना कि सऊदी, कतर, दुबई में जाएंगे और लोग जो वीजे के लिए कहते हैं किसी भी काम में बुला लो, बस बुला लो हमको, हम हर काम करेंगे। तो अभी कम से कम गर्मी इतनी है कि 45-50 है और इतनी धूप में काम कर रहे हैं भाई लोग, वो भी हेलमेट लगाना है, कपड़े पहनना है। तो यहाँ इस तरह से काम होता है। और मेरे साथ ये भाई हैं पंजाब के। इंडिया पंजाब? पंजाब। अच्छा, तो ये पंजाब के भाई हैं, तो मैं भाई से बात करूँगा अभी। तो आप क्या करते हैं? एक्सावेटर चलाता हूँ। ये देखो ये एक्सावेटर है। तो ये बताइए आप का नाम, ये बताइए आप इंडिया पंजाब से? ठीक है, पंजाब से। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह भाई ये बताओ कितना टाइम हो गया आपको कतर में? 6 साल। 6 साल हो गए। तो आप 6 साल पहले कतर में आए थे या कहीं और भी गए थे? कतर में आया, और कहीं नहीं गए थे। तो जब से आए यही काम कर रहे हैं? तो वीजा कैसे मिला था आपको? वीजा इंडिया से। एजेंट से लिया था किसी दोस्त ने? एजेंट से। एजेंट से लिया था। अच्छा भाई, पंजाब में? पंजाब। कितना खर्चा आ गया था आपका आने में? मेरा आ गया 60,000। 60,000। तो लाइसेंस यहाँ पे निकाला था? यहीं पे निकाला है। निकाला है। अच्छा, तो क्या सैलरी एलरी तय हुआ था फिर? सैलरी 1800 बताया था एजेंट ने। तो आप जब यहाँ आए थे आपको 1800 मिल रही थी? 1800। और लाइसेंस कंपनी ने निकाला था कि अपने पास से निकाला था? लाइसेंस पहले निकाला था अपने से। अपने अपने पैसे का? तो कई महीने में लाइसेंस निकल आया था? एक महीने में। कितना खर्चा आया था? इंडिया का 80,000। 80,000 फीफा के पहले आए थे। फिर उसके बाद से अभी कई बार मुल्क गए हो? एक बार गए। अच्छा, तो ये बताओ अभी बहुत से लोग बोलते हैं काम चाहिए, जॉब चाहिए। तो अभी आप ये चला रहे हो तो किसी कंपनी में हो कि अपना काम कर रहे हो? कंपनी में। कंपनी में हो। तो कितना सैलरी मिल जाता है अगर जो आदमी इस काम में है, इस समय लगा हुआ है जो आदमी? इस समय तो पुराना टाइम तो नहीं है, कम है, बेसिक बेसिक चल रहा है। बेसिक कितना चल रहा है? 1800 मिल रहा है। 1800 मिल रहा है शुरू से? 1800 नहीं, हाँ पहले तो ज्यादा आता था। पहले ज्यादा आता था, 3,000 से ऊपर निकलता था। अच्छा, पहले बेसिक 1800 था, ओवर टाइम मिला के हो जाता था। कितना हो जाता था पहले? ज़्यादा 3,000-3,500 हो जाता है। अच्छा, और अब कितना हो रहा है? तो 1800 है। बस 1800 काम नहीं है। तो किसके काम की टाइमिंग क्या होती है भाई? सुबह 5 से शाम अभी 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक सुबह 5 से। तो दिन में आराम आराम भी करते हैं 1 घंटा? 10 बजे रेस्ट है। 10 बजे से फिर कब स्टार्ट करते हैं? 3:30 बजे। 3:30 बजे स्टार्ट। अच्छा, धूप जब हो जाती है तो बंद कर देते रूम में चला जाते हैं। गवर्नमेंट का वो है सिस्टम है। अच्छा, तो भाई अभी जो नए लोग आना चाहते हैं तो अभी काम है कि नहीं है? अभी तो कम है काम कंपनियों में। अच्छा, कम नहीं है। अच्छा, तभी तो इसीलिए 8 घंटा चल रहा है ड्यूटी। अच्छा, इसीलिए कम है अभी। अच्छा, चलेगा अगला नेक्स्ट मंथ से चालू होगा ओवर टाइम। तो कुछ कहना चाहते हो कतर की लाइफ के बारे में, आपको कैसा लगता है कतर में? कतर का लाइफ तो अच्छा है, आना चाहिए इधर, बहुत अच्छा है इधर। अच्छा, सेफ्टी के बारे में? सेफ्टी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेफ्टी है, सुकून से काम करो। तो आपका आने जाने का टिकट कंपनी देता है? वो कंपनी का खर्चा पूरा, आने जाने का, टिकट का? टिकट का भी सब। और रूम कंपनी का है कि आपका है? कंपनी का रूम है। खाना? खाना भी कंपनी का है। खाना भी कंपनी का है। बेसिक 1800। तो आप खा पी कितना बचा लेते हो अभी? अभी तो बचता नहीं है कुछ, अभी तो कम बचता है। कम बचता है, फिर भी पहले तो बच जाता। खाना पीना कंपनी का तो कितना बच जाता है? 1800 बच ही जाता है। 1800 बचा लेते हो, यानी कंजूसी करके चलते हो, सही है ना? सच्चाई है ये, करना पड़ता है भाई थोड़ा बहुत। शादी हो गया?
बच्चे अच्छे नहीं है अभी, जब शादी नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ से होंगे यार। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ यार अपने पापा जी भाई। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कोई मैसेज देना चाहते हो जो लोग कतर में काम करते हैं? कोई मैसेज मतलब किस तरह से रहे, कैसे, कुछ भी जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? अभी तो काम नहीं है कंपनी में, जब काम चलेगा तो अच्छा, इधर आओ, सही है काम करने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा। एक भाई ये अपना मेहनत कर रहा है, ये इंडिया का भाई, ये बांग्लादेश का। तो एक मिनट आ जाओ, और तुम लोग भाई यार बस एक मिनट के लिए यूट्यूब ब्रो। हाँ तो भाई आप लोग कितना टाइम हो गया? इधर 7 साल हो गया। 7 साल हो गया आपको? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया भाई पटना भाई। तो ये बताओ जो आप काम कर रहे हो लेबर का ये आला, तो इसमें कितना सैलरी अभी बच जाता है? अभी तो 1000 मिलता है। 1000 सैलरी, खाना पीना कंपनी का, रूम कंपनी का, ओवरटाइम हो रहा है? ओवरटाइम नहीं है, आपको ओवरटाइम मिलता है 1700-1800 मिलता है। अच्छा अभी 1000। चलो ठीक है, अच्छे से काम करो भाई, पानी यानी पीते रहो, बहुत अच्छा लगा। पानी रखता है, पानी नहीं आएगा तो आदमी गिर जाएगा। बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छे से काम करो। तो एक चीज ये बताओ कि मेहनत के बारे में यहाँ के बता दो जो लोग आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हो तुम लोग, कुछ बोलना चाहते हो मैसेज? कतर में काम चालू होगा तो उधर से अच्छे से पता करो, इधर आओ। अच्छा कंपनी का कंपनी का खाना के नीचे खाना है वैसे कितना है ये पूरा? अच्छा आपका बेसिक सैलरी कितना है? पहले 750 है, अभी 1000 करा है। पहले कितना था? 750। 750 अभी 1000 हुआ है। इसके बाद आपको और क्या मिलता है? अभी तो 1000, पहले 1700-1800 आता है, 1700-1800 तो आ जाता है, लेकिन अभी नहीं आता है, नहीं आता है। काम कमती है। चलो फिर भी अल्लाह का करम है, आप लोग काम कर लो। चलो भाई ठीक है, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। तो चलते हैं भाई, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बस मेरी ये वो है रिक्वेस्ट, अच्छे से काम करो और साफ सफाई से रहो, कतर को भी साफ सुथरा रखो भाई, ठीक है ना। तो ये भाई लोग थे अपने इंडिया, पंजाब, बांग्लादेश के, मैंने भाइयों से बात करी। आपने देखा यहाँ किस तरह से काम होता है, तो इस तरह की लाइफ होती है। एक भाई चलाते हैं एक्सीवेटर और बाकी लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।